मार्केट में फिर से एक न्यू एनसीडी इशू आ चुका है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एनसीडी इशू आया है मुथूटू मिनी फाइनेंसर की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप मुथूटू मिनी फाइनेंसर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो पूरे अंत तक देखें, ताकि आपको कम्प्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ में यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट से हम कैसे मुथूटू मिनी फाइनेंसर के एनसीडी को खरीद सकते हैं, ये भी डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके यूट्यूब से भी पहले। तो यहाँ पर एनसीडी के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मुथूटू मिनी फाइनेंसर के बारे में। तो मुथूटू मिनी फाइनेंसर एक लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो कि गोल्ड लोन में डील करती है। यहाँ पर ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और उस पैसे को लोन के रूप में पब्लिक को देती है। यहाँ पर जो मेन पब्लिक लोन है वो गोल्ड के रूप में जाता है, और यहाँ पर ये कंपनी अदर लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इनका रेवेन्यू का मेजर पोर्शन है वो गोल्ड लोन के तरफ से ही आता है। अब जैसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी टाइप दिया जा रहा है एनसीडी का, वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरीके के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्योर्ड एनसीडी होते हैं वो कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड एनसीडी ज़्यादा सेफ होते हैं। सीरीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 सीरीज के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इशू पीरियड की बात करें तो 18 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और टाइमिंग की बात करें तो 10 से 5 बजे के बीच में अप्लाई करना है अगर आप ऑनलाइन मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो आप नेट बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSE डायरेक्ट को यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऑफर प्राइस की बात करें पर एनसीडी का, तो वो हो जाता है 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये पर एनसीडी का फेस वैल्यू है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा। मिनिमम बिड क्वांटिटी की बात करें तो मिनिमम बिड क्वांटिटी यहाँ पर 10 एनसीडी का है, मतलब आपको मिनिमम 10000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप मिनिमम 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम इशू साइज की बात करें, तो यहाँ पर जो इशू साइज है वो बेस इशू साइज अगर हम देखें तो 125 करोड़ रुपए का, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट किया जाएगा वो 125 करोड़ का। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन साइज है वो 250 करोड़ रुपए का हो जाता है। यहाँ पर कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है, अगर ये कंपनी 125 करोड़ रुपए जल्दी उठा ले तो ये एनसीडी पहले भी क्लोज हो सकता है, और या फिर कंपनी 250 करोड़ रुपए का टारगेट जब भी हिट कर जाएगी तब ये एनसीडी क्लोज हो जाएगा, आप ये बात ध्यान में रखना। अब जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आता है रेटिंग का। तो कंपनी की रेटिंग देखें तो यहाँ पर BBB+ का रेटिंग दिया गया है, और ये रेटिंग दिया गया है केयर रेटिंग के तरफ से, मतलब इनको सिर्फ एक ही रेटिंग एजेंसी रेट कर रही है, और केयर रेटिंग BBB+ का रेटिंग दे रहा है। अगर इस रेटिंग को कंपेयर करें अदर कंपनी से तो ये काफ़ी ज़्यादा कम रेटिंग है। यहाँ पर इतना कम रेटिंग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुथूटू मिनी फाइनेंसर एक स्मॉल कंपनी है, इसलिए भी ये रेटिंग कम है। प्लस हो सकता है यहाँ पर एसेट्स की कमी है, इसलिए भी रेटिंग कम है। यहाँ पर अगर इस रेटिंग को हम कंपेयर करें मुथूट फाइनेंस या फिर मुथूट फिनकॉर्प से, तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को AA रेटिंग मिलती है, और मुथूट फिनकॉर्प को A+ की रेटिंग मिलती है। प्लस अभी जो हाल में एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का एनसीडी मार्केट में ओपन है, वहाँ पर रेटिंग देखें तो A+ एक रेटिंग एजेंसी से मिला है, प्लस AA रेटिंग दूसरे रेटिंग एजेंसी से मिला हुआ है। तो आप अगर एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर सीरीज के डिटेल्स की बात करते हैं, तो जैसे ये सब बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो एनसीडी प्रोवाइड किए जाएंगे वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए अपस्टॉक्स या फिर जरोधा के लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम सीरीज की बात करें, तो यहाँ पर टोटल 7 सीरीज के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो मंथली और क्यूमुलेटिव, ये दो ही तरीके के इंटरेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर कंपेयर करें मंथली को क्यूमुलेटिव से, तो मंथली वाला जो इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग एनसीडी है वो सेफ हो जाता है क्यूमुलेटिव एनसीडी से। तो यहाँ पर अब जैसे टीनर की बात करें, तो टीनर करीब 3 से 4 तरीके के दिए गए हैं। जैसे कि पहला जो सीरीज है वहाँ पर 480 दिन का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, दूसरा है 24 मंथ्स का, फिर तीसरा भी 24 मंथ्स, फिर चौथा जो हो जाता है वो 42 मंथ्स का हो जाता है, फिर पाँचवा सीरीज 50 मंथ्स का, फिर छठा सीरीज 66 मंथ्स का, और सातवा सीरीज 84 मंथ्स का। तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो कूपन रेट है वो इसी हिसाब से बढ़ता गया है।
यहाँ पर अब जैसे कूपन रेट की बात करें तो कूपन रेट यहाँ पर पहले सीरीज में 8.75% का प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरे वाले सीरीज में 9% का, तीसरे वाले में NA लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, चौथे में 9.5% का, और इसी तरीके से क्यूमुलेटिव में NA लिखा गया है और जो हाईएस्ट कूपन रेट है वो 10% का प्रोवाइड किया जा रहा है सिक्स्थ सीरीज में। अब जैसे आप देखें यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाले एन सीरीज है वहाँ पर तीसरे सीरीज में 1194 यानी कि 1194 रुपीज़ का रिडेम्पशन किया जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा जो क्यूमुलेटिव एन सी डी है वहाँ पर 1500 का रिटर्न किया जाएगा रिडेम्पशन के समय में, और जो लास्ट सीरीज है सेवन सीरीज वहाँ पर 2000 रुपये रिटर्न किए जाएंगे रिडेम्पशन के समय में। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 84 मंथ्स में हमारा जो एन सी डी है वो डबल कर देगा हमारे पैसे को। तो ये हो जाता है कुछ बेसिक डिटेल्स एन सी डी के सीरीज के बारे में। अब यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की अगर सोच रहे तो आपको मैं बोलूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एन सी डी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से रिस्क फ्री नहीं है, आप ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर इनकेस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके कैपिटल पर रिस्क आ जाता बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए हम अपना पैसा 100% रिस्क पर दे रहे हैं, आप ये बात ध्यान में रखना। इसलिए अगर आप एन सी डी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे एन सी डीज है, आप उन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मुथूट मिनी फाइनेंसर हो गया, फिर मुथूट फिनकॉर्प, मुथूट फाइनेंस, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल हाउसिंग, L&T फाइनेंस, और भी बहुत सारे मार्केट में एन सी डी है, आप उन सब में भी डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। और या फिर आप एन सी डी के प्रोस्पेक्टस को भी रेफर कर सकते हैं कंप्लीट रिस्क डिस्क्लोजर को जानने के लिए। यहाँ पर एन सी डी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आप कंप्लीटली जान सकते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे हम सेकेंडरी मार्केट से मुथूट मिनी फाइनेंसर के पुराने एन सी डीज को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको पहले बी एस सी के वेबसाइट पर आना और सिंपली यहाँ पर सर्च करना मुथूट मिनी फाइनेंसर लिखकर। जैसे मुथूट आप लिखोगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा मुथूट मिनी फाइनेंसर के एन सी डी का। तो यहाँ पर आपको किसी भी एन सी डी को सिलेक्ट कर लेना, इसे क्रॉस कर लेना, फिर यहाँ पर नीचे आना। नीचे आप जब आओगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा एन सी डीज का। तो आप जैसे देख पा रहे ये सारे एन सी डी मार्केट में लिस्टेड है और यहाँ पर ट्रेडिंग भी होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेडेड वॉल्यूम 290 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 9 हो जाता है इंटरेस्ट रेट, और जो MMFL है वो हो जाता है मुथूट मिनी फाइनेंसर, और 22 हो जाता है रिडेम्पशन ईयर। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इस एन सी डी का वो है 990 रुपये का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट में ये एन सी डी ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा मार्केट में और भी एन सी डीज है, आप उसमें भी देख सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में अभी। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो 1025 एन सी डी है उसका प्राइस चल रहा है 961 रुपये। तो यहाँ पर आप बी एस सी के वेबसाइट को रेफरेंस में ले सकते हैं एन सी डी बाइंग के लिए। यहाँ पर जैसे आपको जरूरत है या फिर अपस्टॉक्स में लॉगिन करना है सिंपली, और लॉगिन करने के बाद सिंपली ये स्क्रिप्ट कोड डालकर सर्च करना है। स्क्रिप्ट कोड डालने के बाद आप अपना बाय या फिर सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए कि कैसे हम सेकेंडरी मार्केट से एन सी डी खरीद सकते हैं आप ये वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।